दोस्त, अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर गेमिंग वीडियोस को हाई FPS और हाई क्वालिटी के अंदर रिकॉर्ड करके YouTube पे और सोशल मीडिया पे अपलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। इसके अंदर कम्प्लीटली मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे रिकॉर्ड करना है, कौन से रिकॉर्डर से करना है और कौन से सेटिंग पे करना है जिससे आपको हाई FPS मिले और रिकॉर्ड कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर के अंदर चले जाइए और वहाँ जाने के बाद आप देखोगे कि आपको प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना है AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। इस रिकॉर्डर के अंदर आपको सब कुछ फंक्शनलिटी मिलने वाली है और बिल्कुल ही बिना वाटरमार्क के आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये ऐसा आ चुका है, देखिए ऑरेंज कलर का है। तो इसके बाद आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और इसकी पूरी फंक्शनलिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कौन सी सेटिंग आपको अप्लाई करनी है जिससे आपको हाई FPS के अंदर और अच्छी क्वालिटी के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो सके। तो जब डाउनलोड हो जाए तो आप इसको करना क्या है, इसको आप ओपन कर लीजिए पहले और इसके बाद इसके राइट साइड में आप देखोगे सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सेटिंग में सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो रेजोल्यूशन को आपको चूज़ कर लेना है 4K तो 4K या फिर आप FHD भी ले सकते हैं 1080p पे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है वीडियो क्वालिटी का। वीडियो क्वालिटी हम ऑटो को रहने देते हैं, वो खुद फ़ोन जज कर लेगा कौन सी क्वालिटी सही है या नहीं है। इसके बाद जो है फ्रेम रेट, फ्रेम रेट आपके मोबाइल की स्क्रीन कौन सी सपोर्टेड है उसके अनुसार आप रख सकते हैं, 90 है, 120 है या 60 है, तो आप रख सकते हैं या ऑटो भी रहने दीजिए। इसके बाद ओरिएंटेशन आप इसको ऑटो रहने दीजिए, ओरिएंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और सेकंड लास्ट इसमें ऑडियो सोर्स, ऑडियो सोर्स इसमें आप इंटरनल माइक ले सकते हैं। इंटरनल माइक में होता क्या है कि आपकी जो भी इंटरनल गेमिंग वीडियोस की जो वॉइस है वो इनबिल्टली रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस तरीके से आप कुछ सब कुछ सेटअप कर लीजिए और इसको आप बैक आने के बाद आप इसको रिकॉर्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस सेटिंग को आपको अप्लाई कर देना है। और ये सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसके अंदर आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा और इसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जब ये सेटिंग अप्लाई हो जाए तो बैक जाके आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे रिकॉर्डर इस रेडी करके आपको बताएंगा, तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं।